चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। यहां पर हमारे द्वारा क्रमिक रूप से आपको प्रैक्टिस सेट पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 पर विस्तार से बातचीत किया गया, जहां पे प्रैक्टिस सेट 3 से हमने क्रमबद्ध रूप से निश्चित चैप्टर के द्वारा अब यहाँ पे अभ्यास को शुरू किया है। प्रैक्टिस सेट 3 से हमने शुरुआत किया था पर्यावरण शिक्षण की समस्या को लेकर के। पर्यावरण शिक्षण की समस्या में प्रैक्टिस सेट 3 में हमने 10 प्रश्न को लिया था और जिसके अगले 11वें प्रश्न से आज हमारी आपकी प्रैक्टिस सेट 4 में चर्चा होने वाली। चलिए दोस्त, हम सर्वप्रथम बात करते हैं आज के इस टॉप मोस्ट प्रश्न की और यहाँ पर प्रश्न है आपका, देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य से की गई थी। ये पर्यावरण का प्रश्न है, साथ ही ये आपके सीटेट के साथ यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य से की गई थी। तो दोस्त सही जो आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, केरला सही होगा, अर्थात कहां से किया गया, केरल से किया गया। आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, असत्य की बात कर रहा है। साहब ए कह रहा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में की गई थी। बी कह रहा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अधिक शिक्षित राज्यों में चलाया गया। और सी कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई। और अगला कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह लक्ष्य रखा गया कि 2010 तक सभी बच्चे अपनी प्राइमरी शिक्षा पूरी कर लें। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो यहाँ पे ये बिल्कुल सत्य यहाँ ऑप्शन रखा गया है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत थी 1988 से की गई, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। तो ये इसका सही आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये असत्य पूछ रहा है। बी कह रहा है साक्षरता मिशन अधिक शिक्षित राज्यों में चलाया गया। साहब जिस राज्य के लोग ज़्यादा शिक्षित ही होंगे उस राज्य में इस प्रकार के मिशन की आवश्यकता क्यों होगी, तो ये आपका स्टेटमेंट पूरा का पूरा क्या है साहब, गलत है। सी कह रहा सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई, ये भी स्टेटमेंट पूरा का पूरा सही है। और डी कह रहा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया था कि 2010 तक उस उम्र के बच्चे जिनको प्राइमरी शिक्षा पूरी कर लेनी चाहिए थी, टारगेट रखा गया था कि उनको शिक्षित कर दिया जाना चाहिए, इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी भी होगा। आते हैं प्रश्न नंबर 13 के क्रम में और प्रश्न नंबर 13 पर यहाँ पर ध्यान देंगे कि कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के माध्यम की समस्या के निवारण के लिए कौन सा सुझाव सही है। ए कह रहा है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ये आपके भाषा से कोरिलेट होने वाला प्रश्न है, ये आपके शिक्षण का भाषा से संबंध है। कह रहा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के माध्यम की समस्या का निवारण के लिए सुझाव सही है। ए कह रहा है कि शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए। बी कह रहा माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। सी कह रहा माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए और कह रहा शिक्षा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों होना चाहिए। तो साहब कह रहा है हिंदी, कह रहा है कि ये कौन सी जरूरी बात है कि भारत में केवल हिंदी ही बच्चों की व्यवहारिक और बोलचाल की भाषा। नहीं साहब, कुछ बच्चे इंग्लिश अच्छा जानते हैं, कुछ कन्नड़ जानते हैं, कुछ मलयालम जानते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका पूरा का पूरा क्या है, गलत है। कह रहा है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, ये भी वही बात कह रहा है, ये भी नहीं होगा। कह रहा है मातृभाषा होनी चाहिए, ये कथन आपका अप्रोप्रिएट है, मातृभाषा। अब देखिएगा अगर यहीं पे मातृभाषा की जगह एक ऑप्शन और डाल देता कि एक होता मातृभाषा दूसरा होता बोलचाल की भाषा, तो हमने आपको क्लास में बताया हुआ है एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण शिक्षण की नीति में यह बात कहा हुआ है कि बालक को शिक्षा या पर्यावरण की विषय वस्तु उसकी मातृभाषा या उसके बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। तो यहां पे ये आपका स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्या है, सही है। और यहां पर ध्यान देंगे 350 का क अनुच्छेद भी यहां पे बताता है, ये साफ साफ संविधान में लिखा गया कि बालक को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दिया जाना चाहिए। और डी कह रहा है कि शिक्षा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों होना चाहिए, यह भी पूर्णतः क्या है, गलत है। हम आते हैं प्रश्न नंबर 14 के लिए, देखेंगे कि शिक्षा के लिए समाज निम्नलिखित में से क्या नहीं करता है। कह रहा है कि समाज की बात कर रहा है, कह रहा है कि शिक्षा के लिए समाज के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता। स्कूल का निर्माण, स्कूल का निर्माण ए,
बी कह रहा पारस्परिक ज्ञान की अवहेलना, सी कह रहा है कि प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, और डी कह रहा पुस्तकालयों की स्थापना। तो साहब देखिए, समाज में ही तो स्कूल समाज का ही तो एक अंग है, तो यहाँ पे साहब इसकी व्यवस्था करता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। बी कह रहा पारस्परिक ज्ञान की अवहेलना, तो साहब पारस्परिक या व्यवहारिक ज्ञान एक दूसरे संबंधित होने वाले, तो इसकी अवहेलना नहीं करता है बल्कि इसको वह महत्व प्रदान करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था साहब करता है, पुस्तकालयों की स्थापना करता है, इस आधार पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहां पे ये नहीं होगा। आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 15 के क्रम में, कि शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या का मुख्य कारण क्या है। अवरोधन का मतलब होता है यहाँ पे सीधे तौर पे कि शिक्षा के क्षेत्र में बालक के रुकावट की समस्या, अवरोधन को रुकावट, या वहां पे विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आती उससे संबंधित यहाँ बात हो रही। तो एक है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, तो साहब ये बात तो सत्य है कि अगर हमने सबसे पहला आपको ये बताया हुआ था पर्यावरण शिक्षण की समस्या में, ध्यान दीजिएगा शिक्षण संबंधी समस्या में, कि अगर यदि दोषपूर्ण पाठ्यक्रम शामिल किया गया तो ऐसी दशा में बालक की शिक्षण अधिगम बेहतर तरीके से नहीं होगा, तो यहाँ पे ये आपका सही आंसर है। बी कह रहा है कि कक्षा में छात्रों का अधिक होना, साहब अगर कक्षा में छात्र अधिक होंगे तो अनुशासनहीनता उत्पन्न होगी और हमारा शिक्षण अधिगम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, नकारात्मक रूप से प्रभाव, इसलिए ये भी बात सही कह रहा है। कह रहा है दोषपूर्ण शिक्षण विधि, सेकेंड नंबर पर हमने यही बताया था कि यदि शिक्षक दोषपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है तो कक्षा में शिक्षण प्रभावी नहीं होगा, तो ये भी सही है। और देखिए ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपरोक्त सभी, तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आते हैं प्रश्न नंबर 16 के क्रम में, कह रहा है आपकी शिक्षा सफल है यदि उसमें आपके सम्मान में वृद्धि होती है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अव्यक्त है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है आपकी शिक्षा सफल है, मतलब आपके द्वारा किया गया जो शिक्षा होगी या आप जो अर्जित किए हैं उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सफल तभी माना जाएगा जब आपके सम्मान में वृद्धि कर रहा हो। तो साहब ये तो व्यक्तिगत कारक पे जोर दे रहा है और शिक्षक जो होता है वो व्यक्तिगत कारकों पर विशेष रूप से अपने ध्यान नहीं देता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम डी को देखें तो कह रहा है उससे आपको नौकरी प्राप्त हो जाती है, ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। कह रहा है उससे दूसरों को भी लाभ मिलता है, ये भी नहीं होता। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण रूप से है कि अगर कार्य को करके सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब शिक्षण का कार्य आप कर रहे हैं, शिक्षा की का कार्य कर रहे हैं, अगर करके आपको संतोष मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो आप शिक्षण कार्य अगले दिन और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे और तभी आपकी क्या मानी जाएगी, शिक्षा सफल मानी जाएगी। और करके आपको संतोष नहीं मिलता तो आपकी शिक्षा कभी सफल नहीं मानी जाएगी। तो ये बात यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, आपका पूरे के पूरे आप यहाँ पे प्रश्न को सेटिस्फाई कर रहा है। आगे आते हैं हम प्रश्न नंबर 17 के क्रम में, कह रहा है शिक्षा के क्षेत्र में उस समस्या को क्या कहते हैं जिसके कारण कोई छात्र किसी स्तर पर शिक्षा पूरी किए बिना अपना अध्ययन कार्य छोड़ देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक कह रहा है अवरोधन की समस्या, विभिन्न प्रकार के रुकावट आते हैं। सी कह रहा अपव्यय की समस्या, सी कह रहा शिक्षा की निरर्थकता, डी कह रहा गंभीर समस्या। तो साहब गंभीर समस्या में ये प्रश्न ऑप्शन तो सही है लेकिन इसने डिफाइन नहीं किया कैसी समस्या, नहीं बताया, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा। सी कह रहा शिक्षा की निरर्थकता, साहब इतना बड़ा बजट सरकार पेश करती है, शिक्षा को योगदान देती है, समय समय पे कार्यवाहियां करती है, अगर वो निरर्थक होता तो ऐसा क्यों करती, हमको सरकार के खिलाफ कभी भी ऑप्शन पे टिक नहीं करना, नहीं होगा ये। कह रहा अवरोधन की समस्या रुकावट, लेकिन कैसी रुकावट, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं डिफाइन कर रहा है। ये बात यहाँ पे सही तो है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये डिफाइन नहीं कर रहा कैसी, तो यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बी कर अपव्यय की समस्या, आज देखिए आप किसी सरकारी स्कूल में जाइए, वहां पे पता करिए क्या खर्च है, और आप किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, आपकी जो चाहत होगी वो सिमट करके रह जाएगी। आप वहां पर देखेंगे कि हम एक साल में सरकारी विद्यालयों में या एक साल में हमारा जितना पूरी इनकम है उतना सिर्फ गाड़ी का एक महीने का खर्च होता है यहाँ पे सरकारी स्कूलों का। इसलिए जो अपव्यय की समस्या हो गई, विभिन्न प्रकार के
यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ करके ये यहाँ पे समस्या की सबसे महत्वपूर्ण रूप लिए हुए हैं। आगे आते हैं, बात करते हैं, देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण शिक्षण की कौन सी समस्या है। ए कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों की शिक्षा पर विशेष ध्यान का नहीं दिया जाना, बी कह रहा है अध्यापकों को विषय का पर्याप्त ज्ञान न होना, और ये कह रहा है बच्चों के विषय के प्रति अरुचि का होना। तो साहब देखिएगा, अगर हम पर्यावरण शिक्षण की समस्या की बात करते हैं तो ए कह रहा है प्राथमिक स्तर पर छात्रों की संख्या का ध्यान न देना, अगर कक्षा में अधिक विद्यार्थी बैठे तो कक्षा में अनुशासनहीनता होना स्वाभाविक है, शिक्षण की समस्या उत्पन्न हुई और आपका शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। तो ये बात तो सही कह रहा है साहब। आगे देखते हैं, कह रहा विषय का पर्याप्त ज्ञान न होना, अब हम पढ़ाने आए हैं हमको पता ही नहीं है कि क्या सही क्या गलत है, हम वही एक जैसे आप देखते होंगे यूट्यूब पे ढेर सारे लोग यहाँ उल्लू बांट शुरू किए हुए हैं, तो अगर इस तरीके से शिक्षा प्रदान किया जाएगा तो बालकों को उचित ज्ञान नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे सही आंसर ये भी हो गया। तीसरा कह रहा बच्चों की विषय के प्रति अरुचि अगर है तो इससे भी बालक समस्या होगी, इसलिए यहां पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 19 के क्रम में आएंगे कि पर्यावरण शिक्षण की समस्याओं के निवारण के लिए क्या आवश्यक है, निवारण की बात कर रहा है और कह रहा है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अभिभावकों को इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। साहब देखिए कह क्या रहा है कि पर्यावरण शिक्षण की समस्या का निवारण दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, ए कह रहा है कि अभिभावक के द्वारा आंदोलन कर देना चाहिए। साहब क्या किया जाना चाहिए, चलिए आगे देखते हैं। बी कह रहा है पर्यावरण विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। सी कह रहा है शिक्षकों को कक्षा में छात्रों के साथ मित्रों की तरह व्यवहार करना चाहिए, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं, कोई ना कोई तो होगा। ए कह रहा है आंदोलन करना चाहिए, आंदोलन एक नकारात्मक शब्द है इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब दावपेच फंसा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी पर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सी कह रहा है कि शिक्षकों को कक्षा में छात्रों के साथ मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए, यह बात सही है। अब बी कह रहा है कि अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो साहब सी भी सही है बी भी सही है, लेकिन दोनों में से चूज करना है तो साहब ऑप्शन नंबर बी एनसीएफ के द्वारा कही गई साफ साफ लाइन है और ये सी प्रभावी होते हुए भी इसकी अपेक्षा ये कम हो गया, इसलिए सही आंसर यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर बी कि अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये बात यहाँ पे कब की गई, ये बात एकीकृत पर्यावरण उपागम के अंतर्गत किया गया, इसलिए सी भी सही है बी भी सही है, लेकिन बी ऑप्शन जो है वो सी से ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि ये बात एनसीएफ 2005 की ये पूरी सीधी सीधी लाइन है, इसलिए यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 20 के क्रम में आएंगे कि पर्यावरण के विस्तृत पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आप प्रभावी शिक्षण के लिए क्या सुझाव देंगे, मतलब आप यहाँ पे क्या करना, एक पर्यावरण का जो विस्तृत पाठ्यक्रम है इसको ध्यान में आप रखते हुए प्रभावी शिक्षण, तो ए कह रहा नवीन पुस्तकों से शिक्षण करना चाहिए, बी कह रहा नवीन शिक्षण मशीनों का प्रयोग किया जाए, पाठ्य वस्तु को छोटे खंडों में विभाजित करना चाहिए, और कह रहा उपरोक्त सभी। तो साहब नवीन पुस्तकों में बालक विशेष रूप से रुचि लेते हैं, क्रियाशील होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हुआ है। बी कह रहा नवीन शिक्षण मशीनों का, तो साहब यहाँ आपको अब समय के साथ अपडेट करना चाहिए, तो ये भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय होंगी, यदि आप मशीनीकरण का प्रयोग करते हैं तो बालक जिज्ञासा और क्रियाशीलता दोनों दिखाएंगे। सी कह रहा पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे खंडों विभाजित करना चाहिए, वो छोटा नन्हा सा बालक विस्तारित यहाँ पे विषय वस्तु को नहीं सीख पाएगा, छोटे छोटे खंड को रहेगा तो आसानी सीख पाएगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं, कह रहा है कि शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्या को जानना क्यों आवश्यक है, तो ए कह रहा है क्योंकि शिक्षक ही उसके समाधान के बारे में कुछ कर सकते हैं, बी कह रहा है इससे वे सरकार को इसके बारे में बता सकते हैं, और ये कह रहा है कि वह अन्य शिक्षकों को भी बता सकते हैं, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कुछ नहीं कर सकते, तो साहब ये तो पूरा निगेटिव है, कह रहा शिक्षकों को बता सकते हैं ये भी बात सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कह रहा सरकार को बता सकते हैं ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये सही है कह रहा शिक्षक उसके समाधान के बारे में कुछ कर सकते हैं, मतलब अगर यहाँ पे कोई समस्या परिलक्षित होती दिखाई देती है तो शिक्षक उस समस्या के समाधान के बारे में यहां पे बहुत कुछ सुझा सकते हैं, इसलिए यहां सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए।
आते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। एक अध्यापक जिसकी शिक्षण में अभिरुचि विकसित हो गई है, छात्रों के व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है, विभिन्न प्रकार के परीक्षण की तुलना करता है, सी कह रहा पारस्परिक नियमों से प्रभावित नहीं होता, डी कह रहा बालकों के साथ प्रभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाता। तो जब साहब अभिरुचि विकसित हो जाएगी तो प्रभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाएगा कि अपनाएगा? साहब अपनाएगा, इसलिए नहीं होगा। कह रहा पारस्परिक नियमों से प्रभावित नहीं होता, ये भी बात गलत है। व्यवहारिक ज्ञान और पास परिवेश का ज्ञान से वो सबसे पहले परिचित होता है। बी कह रहा विभिन्न प्रकार के परीक्षण की तुलना करता है, ठीक है साहब। कह रहा छात्रों के व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। कह रहा विभिन्न प्रकार के परीक्षण की तुलना करके आप समस्या का समाधान कहाँ? समस्या का समाधान तो उनके व्यवहार संबंधी जब समस्याओं का अध्ययन करेंगे तब तो करेंगे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आते हैं अगले क्रम पे और यहाँ पर लेते हैं प्रश्न नंबर 23। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। बी कह रहा है इससे बच्चों का आदायी कौशल परिमार्जित, मतलब उनके आनंददायी कौशल जो होता है परिमार्जित होता है। सी कह रहा है अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। डी कह रहा है विषयों को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो साहब यहाँ पर देखिए सबसे व्यवहारिक स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी है कि यहाँ पे विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न नंबर 24 के क्रम पे आते हैं कि बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि सबसे पहला सामाजिकरण का पाठ बालक को उसके परिवार से प्राप्त होता है। मैंने बताया था कि बालक मुंह में उंगली डाला हुआ बाहर की ओर जा रहा है, दादाजी ने रोका का ना, मुंह में उंगली गंदे बच्चे डालते, आप तो अच्छे बच्चे। उन्होंने बालक को का क्या किया? सामाजिकरण। ये शुरू कहाँ से हुआ? परिवार से हुआ। प्रश्न नंबर 25 में आते हैं और कह रहा है कि प्रश्न नंबर 25 की बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? एक कह रहा है विद्यालय में विभिन्न त्योहार का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठक आयोजित करना, और सी कह रहा बच्चों में स्वस्थ स्पर्धा तैयार करना, डी कह रहा विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। ए कहता है कि विभिन्न त्योहार का आयोजन करना, विभिन्न त्योहार का आयोजन करने का यहाँ पे कोई विशेष यहाँ पे महत्व नहीं होता है। बी कर अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, तो इससे भी बालक के स्तर पे बहुत यहाँ प्रभावी नहीं होगा। डी कर बाल मेला आयोजित करना, नहीं, यहाँ कह रहा है सी बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, बालक प्रतियोगिता करने के लिए तैयार हो, विभिन्न प्रकार के अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए तैयार हो, वो सबसे प्रभावी होगा। तो दोस्त यहाँ पर हमने आपसे पर्यावरण शिक्षण की समस्याओं के क्रम में 25 प्रश्नों पर बातचीत किया। इसके कुछ और प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस सेट 5 में मुलाकात करते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगले चैप्टर पर आया जाएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू चंद्रा स्टूडेंट टीचर्स चॉइस चैनल। क्योंकि टीचर भी इस चैनल को देखते हैं तो आप चैनल पे आ गए हैं, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा।